पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते कई दिनों से चल रहा ऑक्सीजन प्लांट का कार्य अब पूरा हो चुका है। साथ ही अब इस प्लांट से ऑक्सीजन उत्पन्न किया जाने लगा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लाखों रुपए की लागत से बने इस ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन उत्पन्न किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में पाइपलाइन के माध्यम से मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था भी कर दी गई है। बीएमओ वीके जैन ने बताया कि अस्पताल के 30 बेड में आसानी से ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था कर ली गई है। एक नई योजना आई थी शासन की, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट पाली में बनाया जाना था ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए। तो जानकारी के मुताबिक ये है कि ऑक्सीजन प्लांट पाली में बन चुका है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन लगभग शुरू हो चुका है। हमने अपने बहुत सारे भाइयों को खोया है ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना की लहर में, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अगर पाली में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी तो हम इस महामारी से, इस प्रकोप से बच पाएंगे और हमारे पाली नगर वासियों को इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। तो भगवान से हम ये कामना करते हैं कि तीसरी लहर पाली में कभी ना आए, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पाली में पर्याप्त व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य केंद्र अपने पाली में बनी हुई है, अब भव्य बिल्डिंग बनी हुई है। अपने यहाँ जो कमी थी ऑक्सीजन प्लांट के, तो सारे क्षेत्रवासियों के माध्यम से कई लोगों का कोरोना के कार्यकाल में जान जो है गई हुई है। और क्षेत्र के माननीय विधायक जी जो है बड़े बधाई के पात्र हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट जो है कोरोना काल में लेके आए। ये हमारा ऑक्सीजन प्लांट है 100 बेड के लिए और हमारा अस्पताल 30 बेड, तो हमारी अभी 30 बेड के लिए अस्पताल के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है। और ये ऑक्सीजन अब सिर्फ अपने बेड पर अवेलेबल होगी, बाहर जाने के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी, क्योंकि ये इंटरनल सप्लाई है और हमारे पास ये 24 घंटे वर्किंग में है। और इससे अच्छे हम अब तीसरी लहर के लिए तैयार हैं, भगवान करे तीसरी लहर ना आए, लेकिन हमारे पास अब ऑक्सीजन की व्यवस्था। गौरतलब है कि बीते दिनों कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी गई थी। साथ ही ऑक्सीजन की कमी से संभाग मुख्यालय में कई पीड़ित मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। एमपी न्यूज के लिए उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग टुडेज मॉडर्न गुरुकुल हैज द टीम ऑफ बेस्ट फैकल्टीज टू एंश्योर दैट दे प्रिपेयर देम टू बिकम इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स along with complete placement assistance and support for every student to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management.